हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग सही होंगे। तो फाइनली मैं आज आपके सामने होंडाई की कोना लेके आया हूँ, जो कि 2021 का मॉडल है। तो फाइनली इसमें एक कोड आ रहा है। कोड क्या आ रहा है, ये जो देख रहे हैं, की नॉट इन व्हीकल, जो कि की व्हीकल के अंदर है। देख पा रहे हैं व्हीकल के अंदर है, लेकिन बट ये कोड दिखा रहा है। इसको अपन पुश करते हैं अगर, तो ऑफ तो हो जा रहा है, लेकिन बट ऑन नहीं हो रहा है। देख पा रहे हैं ऑन नहीं हो रहा है। प्रेस स्टार्ट बटन विथ की इसके सामने है, लेकिन बट चालू नहीं हो रही। अगर इसी की को मैं, अगर इसको एक हाथ से तो जम नहीं रहा, लेकिन कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ से इसको दबा के अगर पुश करेंगे, यानी की इसके बाजू में रखेंगे, तो फिर ये काम करने लगता है। देख पा रहे हैं ऑन ऑफ हो रहा है, लेकिन बट इसको जैसे ही थोड़ी दूर लेके जाता हूँ, की को इधर लेता हूं, तो बट ये काम नहीं कर रहे हैं। कुछ नहीं कर रहे हैं। प्रेस स्टार्ट बटन विथ की, थोड़ी देर दूर लेके जाता हूं, तो ये काम नहीं कर रहा है। तो मैंने सबसे पहले इसका सेल चेंज किया। सेल चेंज करने के बाद भी वही प्रॉब्लम आ रहा है, और अपने को लगता है बटन पे डाउट। तो अभी बटन का तो डाउट आ रहा है, लेकिन बट अभी बटन को रिप्लेस नहीं करके दिखाऊंगा। पहले सबसे पहले मैं गाड़ी को स्कैन करता हूँ। ये रही अपने पास स्कैनर, और मैं OBD2 लगा चुका हूँ इधर। ये सब खोल चुका हूँ बटन को, सिर्फ देखने के लिए कि बटन में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, टूटा फूटा या फिर वायर वेयर कटा वटा कुछ किधर से तो नहीं है, इसके वजह से खोला गया था ये। तो ज़रा मैं इग्निशन ऑन कर देता हूँ, ये आवाज़ कर रहा है, क्योंकि अपने को स्कैन करने का है। देख पा रहे की नोट डिटेक्टेड बता रहे हैं। जैसे ही की को मैं इसके ऊपर लेता हूं, ऊपर से की के साथ प्रेस करता हूं, तो गाड़ी चालू होती है। देख पा रहे हैं इग्निशन ऑन हो चुका। तो चलो सबसे पहले मैं इसको स्कैन करता हूं। अपडेट आया हुआ है, फ्लैश जरा ऑफ कर लेता हूँ मैं। हुंडई की है, तो गाइस ये कोड मेरे पास फर्स्ट आया है। पहले तो कोई ऐसा कोड आ रहा था, तो ये क्या बोलते हैं, सेल चेंज करने के बाद हो जाता था प्रॉब्लम सॉल्व। तो चलो ऑटो सिलेक्शन में जाता हूँ, तो यहाँ VIN नंबर डालना पड़ेगा अपने को। तो यही है इसका VIN नंबर, पहले डाल चुके थे अपन। गाड़ी का नाम आ गया कोना, 2022 मॉडल बता रहा है, जो कि ये गाड़ी है 2021 मॉडल का। तो इसमें उल्टा सीधा कभी बताता है। इसको करता हूँ मैं डायग्नोस, के कोई किसी पार्ट का अगर अंदर से कुछ मिस्टेक वगैरह तो नहीं दिखा रहा है, वही देख चेक कर रहा हूँ। तो डायग्नोस्टिक में जा रहा हूँ मैं। इंजन में कोई कोड नहीं दिखा रहा है, एयरबैग में भी कुछ नहीं, इमोबिलाइजर में भी कोई कोड नहीं दिखा रहा है, कोड ट्रांसमिशन भी नहीं, एयर कंडीशन में भी नहीं दिखा रहा है, EPS मोटर, ड्राइवर पावर, इसके स्मार्ट की यूनिट में भी कोई प्रॉब्लम नहीं दिखा रहा है, 4WD कंट्रोल में भी कुछ नहीं दिखा रहा है।
सब कुछ सही बता रहा है। कुछ फॉल्ट कोड नहीं बता रहा है। देख पा रहे हैं पूरा स्कैन हो चुका 100%, कोई भी एक भी फॉल्ट कोड नहीं है गाड़ी के अंदर, कुछ भी नहीं है। देख पा रहे हैं कोई भी फॉल्ट कोड नहीं बता रहा है। तो अब इसको क्या करूं सबसे पहले स्टेप में, तो सबसे पहले मैं इसको क्या करने जा रहा हूं, बैटरी की वायर निकालता हूं। बैटरी की वायर निकाल के देखेंगे, बैटरी की वायर निकाल के 5 मिनट होल्ड करता हूं और फिर आगे आपको दिखाता हूँ। तो फाइनली मैं गाड़ी के बाहर आ चुका हूँ और ये रही इसका बैटरी। मैं इसको ओपन कर देता हूँ, बैटरी वायर 10 मिनट के लिए दोनों वायर में निकाल देता हूँ, 10 5 मिनट के लिए, और 10 5 मिनट बाद फिर लगा के देखते हैं कि ये सेम प्रॉब्लम आता है क्या नहीं आता है। तो चलो मैं ये खोल देता हूँ, खोल के फिर आगे आपको दिखाता हूँ। तो फाइनली दोनों वायर निकाल चुका हूँ, तो चलो 10 मिनट वेट करते हैं और 10 मिनट बाद फिर मैं आपको आगे दिखाता हूँ। तो हेलो दोस्तों, फाइनली बैटरी वायर लगा दिया हूँ। चलो अब अंदर चलते हैं कि अंदर की डिटेक्टेड करता है क्या नहीं करता है। तो फ्लैश ज़रा मैं ऑन कर लेता हूँ। तो फ्लैश फाइनली ऑन कर लिया हूँ और अब देख पा रहे हैं यहाँ पे तो अभी डैशबोर्ड में मीटर में कोई भी लाइट का सिंबल नहीं आ रहा है। तो अब हम बटन को प्रेस कर रहे हैं, देख पा रहे हैं काम करने लग गया है। अभी की मेरा यहाँ पे है और बटन देख पा रहे हैं बंद भी हो रही है, सब कुछ हो रहा है, मतलब ये काम कर गया अपना। बैटरी वायर जो निकाले, बैटरी वायर निकालने के बाद कुछ मिनट यानी 10 मिनट से ज़्यादा ही रखा था मैं, तो 10 मिनट से ज़्यादा ही रखने पर जो भी डाटा इनका रिकॉर्ड हो चुका था या फिर कोई कोड वगैरह आ गया रहेगा रनिंग में, तो वो रिसेट हो चुका। रिसेट होने के बाद अभी ये बरोबर काम कर रहा है। तो फर्स्ट जो ये है तो ज़्यादातर इसका फॉल्ट आता है बैटरी सेल डाउन हो जाने की वजह से। तो ये इसके बाजू में भी रखेंगे तो ये की डिटेक्टेड नहीं करता है, और लेकिन यहाँ केस कुछ और था तो इसकी वजह से बैटरी वायर निकालना पड़ा। बैटरी वायर निकालने के बाद जब अपन 10 मिनट निकाल के रखे तो इसमें जो भी सिस्टम में कोड आ गया रहेगा, स्कैनर भी मैं आपको लाइव डाटा दिखाया, स्कैनर्स में कुछ देर पूरा स्कैन किया तो भी कुछ कोड नहीं आ रहा था। इसकी वजह से दिखाया ताकि आपको समझ में आए कि आपके पास स्कैनर ना हो तो आप क्या करें उस टाइम। तो आपके पास अगर स्कैनर नहीं होगा तो आप क्या करेंगे भाई, गाड़ी को छोड़ दो, आगे भेज दो, कहीं कंपनी में दिखा दो और कुछ कर दो। इस वजह से स्कैन करके भी मैंने आपको दिखा दिया। पहले आपको मैंने दिखाया था यहाँ चाबी लगाने के बाद, तब जा कर के ये ऑन हो रहा था, ऑपरेट हो रहा था। तो मैं बटन को इसकी वजह से खोला था क्योंकि इसके अंदर जो क्वाइल रहती है ना, जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है, उसको चेक करने के लिए खोला था। लेकिन खोल के चेक किया ये बटन भी सही है। तो अगर ये स्टेप में मेरा काम नहीं होता तो फिर मैं बटन और रिमोट दोनों चेंज करता। तो फाइनली अपना ये सक्सेसफुल हो गया। तो गाइज आप मेरे चैनल में नए हो ना तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूले। तो फाइनली मैं आप लोगों से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना भूल गया था कि आप लोगों के सपोर्ट से मैं आज यहाँ सऊदी अरब में आ चुका हूँ, वहाँ की गाड़ियों पर काम कर रहा हूँ। तो आप लोग दुआ कीजिए, आप लोग सपोर्ट कीजिए, दुआ कीजिए, लाइक कमेंट सब्सक्राइब कीजिए, तभी मैं आगे बढ़ पाऊँगा। तो चलो फिर, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।